नमस्कार, स्वागत है आपके ही फिर YouTube चैनल में। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, बहुत विशेष वीडियो के साथ। ये वीडियो सभी को सुनना चाहिए, अपने असली जीवन के बारे में जाने, सत्य के बारे में जाने, असली संपत्ति निर्विचार होना, कोई भी मन में विचार न हो। जीवन केवल जन्म व मृत्यु के बीच की अवधि नहीं है, या जन्म से पहले भी है और मृत्यु के बाद भी। इस सत्य को जो जान गया सिर्फ वही जीवित है, पर इस सत्य की उपलब्धियों के लिए चित्त को सरल बनाना होगा, इस सत्य को स्वयं खोजना होगा और इसके लिए बाहर के सभी विचारों से मुक्त रहना होगा। वास्तव में जिसे हम जीवन जानते हैं वह जीवन नहीं है। बहुत कम सौभाग्यशाली लोग हैं जो जीवन को अनुभव कर पाते हैं। जो जीवन को अनुभव कर लेते हैं उनकी कोई मृत्यु नहीं। जब तक मृत्यु है, मृत्यु का भय है। जब तक प्रतीत होता है कि मैं समाप्त हो जाऊंगा, मिट जाऊंगा, तब तक जानना है कि अभी जीवन का कोई संसाधन, जीवन का कोई संपर्क, जीवन का कोई अनुभव नहीं उपलब्ध हुआ है। जिसे हम जीवन कहते हैं वह तो क्रमिक मृत्यु का ही नाम है, वह वास्तव जीवन नहीं है। जिसे जिस दिन हम पैदा होते हैं और जिस दिन हम मर जाते हैं, उन दोनों के बीच में जो फैला हुआ होता है वह जीवन नहीं है। वह तो धीमे धीमे मरते जाने का नाम है। मौत कोई आकस्मिक घटना थोड़ी है, वह जन्म के दिन ही शुरू हो रही है। जो जन्म का दिन है वही मृत्यु का दिन है। जानते नहीं कि मृत्यु मरना शुरू हो जाता है, फिर मौत धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, एक दिन पूरी हो जाती है। जिस दिन पूरी होती है हम कहते हैं मौत आ गई। ना जन्म प्रारंभ ना मृत्यु प्रारंभ, जन्म मृत्यु का प्रारंभ है और मृत्यु उसकी परिणाम। जन्म जीवन की शुरुआत नहीं है और ना ही मृत्यु का जीवन का अंत है। जीवन तो जन्म के पहले भी और मृत्यु के बाद भी है। बस यह जो मृत्यु है और जन्म है उसके बीच ही जीव जो जीता है वही जीवित नहीं है। इसके पीछे और पार के जीवन से जो संबंधित हो जाता है वही केवल जीवित है। धर्म का संबंध उसी संपर्क, उसी सत्य जिसका कोई जन्म नहीं होता है और जो कोई मृत्यु नहीं होती है उसे जोड़ने से है। ये तो दो चरणों में हमने चर्चा की है, उस जीवन की तरफ जाने के लिए। समस्त शास्त्रों से, समस्त सिद्धांतों से, समस्त विचारों से मुक्त हो जाए। जो विवेक शास्त्रों के भार से दबा रहता है वही विवेक स्वयं को निजात को उपलब्ध नहीं हो पाता। जो विवेक दूसरों की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान लेता है, महावीर कृष्ण की, राम की, उसकी अपनी संपत्ति अनजानी अपरिचित पड़ी रह जाती है। जो उन विचारों को अपना मान कर जीने की कोशिश करेगा वह उस विचार शक्ति से वंचित रहेगा। जो नियंत्रण उसके भीतर मौजूद है और प्रकट होना चाहते हैं लेकिन बाहर के आए हुए सभी विचार उसे प्रकट नहीं होने देते, इसके पहले ही किसी का अपना विचार दे दे, उसे निर्विचार हो जाना जरूरी है। इसके पहले कि उसे अपनी संपत्ति का पता चले, उसे दूसरों की संपत्ति से खाली हो जाना जरूरी है। स्वाभाविक ही है कि अगर हम दूसरों की संपत्ति को अपनी संपत्ति माने तो अपनी संपत्ति की खोज बंद हो जाएगी। सत्य को स्वयं पाना होगा। सत्य की खोज हो तो स्वयं ही खोजना होगा, कोई दूसरा उसे किसी को दे नहीं सकते हैं। सत्य स्थापित किया जा सकने योग्य नहीं है। सत्य जो है वह एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया नहीं जा सकता है। अगर दिया जा सकता है अब तक सबको सत्य मिल गया होगा। सत्य दिया नहीं जा सकता है, सत्य पाना होता है। सत्य खुद सत्य को खुद ही पाना होता है, वह स्वयं के श्रम से ही उपलब्ध होता है। जो दूसरों के श्रम पर विश्वास कर लेते हैं वे अपने जीवन को गंवा देते हैं, उन्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए दूसरों से अपने को मुक्त कर लें, यह मैंने कहा है, तब आपको विवेक, आपका विवेक स्वतंत्र होगा, चित्त मुक्त होगा। जिसका चित्त
परातंत्र में है वह सत्य को कैसे जानेगा? या मैंने पहले चरण में विस्तार में बात की, चित सरल हो, सरलता का मैंने अर्थ नहीं किया है कि आप कम कपड़े पहने, कम भोजन करें तो आप सरल हो जाएंगे, या आप घर द्वार छोड़ दें तो आप सरल हो जाएंगे। सरलता बहुत गहरी बात है, छोटी सी बातों में सरलता का कोई विशेष संबंध नहीं है। यह भी हो सकता है कि बहुत जटिल लोग जिनका चित बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, जिनका चित बहुत कठोर है, पत्थर की तरह ग्रंथियों से भरा हुआ है, वे लोग भी इस तरह की वेशभूषा के परिवर्तन को कर ले। जो लोग भी कम खाएं, कम कपड़े पहने, घर द्वार छोड़ दें, कोई जटिल मनुष्य भी इस भ्रांति की सरलता को ओढ़ सकता है। इस सरलता का कोई मूल्य नहीं है। सरलता यानी चित्त की अखंडता। सरलता अर्थात चित्त द्वंद्व शून्य हो जाए और चित्त के खंड खंड हिस्से विलीन हो जाए और चित्त अखंड हो जाए, श्रमण हो जाए। मेरे भीतर बहुत से व्यक्ति ना रहे, एक व्यक्ति का जन्म हो जाए। मेरे भीतर प्रेम हो तो घृणा ना रहे, घृणा और प्रेम जिसके साथ साथ है उस आदमी का चित्त श्रम नहीं हो सकता। जिस आदमी के भीतर शांति और शांति दोनों है उस आदमी का चित्त सरल नहीं हो सकता। दोनों में से एक रह जाए तो चित्त सरल हो जाएगा। अगर मात्र अशांति रह जाए तो चित्त सरल हो जाएगा और मात्र शांति रह जाए तो चित्त सरल हो जाएगा। आप जानते हैं, अगर कोई आदमी इतना आसान हो जाए कि उसके भीतर शांति का कण भी न रह जाए तो ये क्रांति हो जाएगी। उस चरम बिंदु पर भी अशांति की अंतिम सीमा पर पहुँच कर एकदम से सब विलीन हो जाएगा और वाचित एकदम शांत हो जाएगा। कोई तीर को चलाता है तो प्रत्यांचा को पीछे खींचता है। तीर को फेंकना तो आगे है, खींचने खींचते पीछे है। उल्टा देखेगा तो कोई आदमी कहेगा आगे फेंकना है, तो कोई आगे फेंके तो उल्टा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अपनी प्रत्यांचा को धनुधारी खींचता चला जाता है। एक सीमा आती है कि और आगे नहीं खींच जा सकता है। खींचने का अंतिम बिंदु आता है और प्रत्यांचा छूट जाती है और तीर जो कि पीछे रह जाता है वह विपरीत दिशा में गति कर जाता है। ठीक वैसे ही अगर चित्त पूरा अशांत हो जाए तो अशांति के अंतिम बिंदु पर पहुँच कर तीर छूट जाता है और शांति की दिशा में गत हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, बहुत विशेष वीडियो के साथ। मेरे वीडियो सभी को सुनना चाहिए।